हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं ये मेबिलिन फिट मी रेंज के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ फॉर माय बेस। और मेबिलिन फिट मी रेंज इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉन कॉमेडोजेनिक। और मेबिलिन फिट मी का ये फाउंडेशन और कंसीलर तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ट्राई करा ही होगा, उन्हें पता होगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है और नॉन कॉमेडोजेनिक भी है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होगा, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हमें मास्क लगाना पड़ता है। अब मास्क लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर स्वेट आता है, तो जब भी यहाँ पर स्वेट आएगा और आपने कोई भी कॉस्मेटिक लगा रखा होगा तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और उससे एक्ने पिंपल्स आ सकते हैं। तो मेबिलिन फिट मी रेंज के प्रोडक्ट्स नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो इससे आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और एक्ने पिंपल्स भी नहीं आएंगे। तो ये स्किन फिट भी है और मास्क फिट भी है। तो पहले मैं ये मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और ये शेड है 228 और इसके अंडरटोन्स वार्म है, तो ये मेरी स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से सूट करता है। और यहाँ पे ना इसके पंप भी लगा हुआ है, ये वाली जो न्यू बॉटल है मेरे पास तो ऊपर पंप भी है, तो काफ़ी हाइजीनिक रहता है फाउंडेशन निकालने के लिए। सो दिस शेड इज़ अ वेरी गुड मैच फॉर माई स्किन टोन। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैच कर रहा है मेरी स्किन से, एकदम नेचुरल लग रहा है और मैट फिनिश है इसका, तो मेरी ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। सो यू कैन सी डैट दिस फाउंडेशन इज लुकिंग सो नेचुरल ऑन माई स्किन एंड द शेड 228 इज सच अ गुड मैच फॉर माई स्किन टोन। इतना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, इतने अच्छे से मैच कर रहा है मेरे स्किन टोन से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगा रखा है अपने फेस पर। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मेबिलिन फिट मी कंसीलर एंड आई एम इन द शेड मीडियम नंबर 25। और कंसीलर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आजकल तो मास्क लगा रहता है तो फोकस हमारी आईज़ पर ही रहता है, तो आईज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कंसीलर बहुत सही चीज़ है। आप कंसीलर अप्लाई करोगे ना तो ये वाला एरिया आपका थोड़ा हाईलाइट होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपना मेकअप करते हैं तो कंसीलर ज़रूर अप्लाई करिए। और ये जो मेबिलिन का फिट मी कंसीलर भी है तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है लोगों में, लोगों को बहुत पसंद आता है ये। थोड़ा सा कंसीलर मैं यहाँ पर भी लगा रही हूँ हाईलाइट करने के लिए एंड ब्रिज ऑफ माई नोज, क्योंकि यही एरिया तो अब ज़्यादा दिखता है तो फोकस यहीं पर हम कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा। एक तो ये मास्क जब से लगा रहे हैं ना तब से कंसीलर मैं लगाने लगी हूँ। मैं जब भी फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर तो कंसीलर भी मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि यहाँ पर फोकस रहता है, स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग आउट। मैं जब मास्क पहनती हूँ तो मुझे कंसीलर तो ज़रूर अप्लाई करना होता है। तो कंसीलर लगाने से भी आप ये इंस्टेंट डिफरेंस देख सकते हो मेरे फेस में कि फेस में थोड़ा सा ग्लो आया है, ये वाला एरिया जो आई के अराउंड है ये थोड़ा हाईलाइट हुआ है, आईज़ बड़ी लग रही है और ये ब्राइट भी लग रहा है, तो हमारा फोकस ना यहाँ पर रहेगा। तो कंसीलर लगाने से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फेस को सेट करने के लिए मैं ये मेबिलिन फिट मी का ही लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड लाइट मीडियम नंबर 20। तो इस लूज पाउडर का शेड आप देख सकते हो उसमें कैसा लग रहा है, मैं अपने हाथ पर भी थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा देती हूँ। वॉर्म है ये भी तो मेरे स्किन टोन पर जाएगा काफ़ी अच्छे से ये। तो अब ये शेड देखो, बहुत ही अच्छा मैच है मेरे स्किन टोन के लिए। लूज पाउडर मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो जब भी मुझे अपना फेस सेट करना होता है लूज़ पाउडर से तो
इस एरिया पे तो मैं फोकस करती ही हूँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई करा है, पर थोड़ा सा जो पाउडर बच जाता है वो अपने बाकी फेस पे भी मैं लगा लेती हूँ। सो आई एम डन विद माई कम्प्लीट मेकअप एंड माई फेस इज लुकिंग सो फ्लॉलेस। कोई भी ब्लेमिशेस नहीं दिख रहे, कोई स्पॉट्स नहीं दिख रहे, देर इज़ नो रेडनेस ऑन माई फेस, मेरे डार्क सर्कल्स भी अच्छे से कवर हो गए हैं। ये जो हाईलाइट करा था मैंने कंसीलर से, मेरा शेड है मीडियम, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट से। तो फेस ना इतना हैवी भी नहीं लगता क्योंकि आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ दो प्रोडक्ट से आपका काम हो जाता है। तो मेरा फाउंडेशन का शेड है 228 सॉफ्ट टैन और कंसीलर का शेड है मीडियम, जो कि बहुत ही अच्छा मैच है मेरे स्किन टोन के लिए। और अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सा शेड लेना चाहिए, तो मेबेलिन न्यूयॉर्क का वर्चुअल ट्राई ऑन भी है, तो वहां पर जाकर आप अपना एग्जैक्ट मैच देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो फाउंडेशन और कंसीलर है ना, डेली अगर आपको मेकअप करना है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इतना लाइट वेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, जिससे आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, एक्ने पिंपल्स नहीं होंगे। ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे आपको एक मैट लुक मिलता है और आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी। कोई मुझे ना ड्राइनेस दिख रही है, ना फेस ऑयली लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो मेरा गो टू फाउंडेशन तो यही है क्योंकि शेड भी मैच कर जाता है और इतना लाइट वेट। तो मास्क लगाने के बाद हमारा ये एरिया कवर रहता है और ये एरिया दिखता रहता है, इसलिए मैंने कंसीलर थोड़ा फोरहेड पे लगाया, अंडर आई एरिया पे और नोज़ पर भी लगाया, ताकि ये एरिया थोड़ा हाईलाइट हो सके। और कंसीलर भी ऐसा होना चाहिए कि लाइट वेट हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फेस पर मास्क रहता है, बहुत ही हैवी लगने लगता है, और ऊपर से आप कोई ऐसा थिक और हैवी प्रोडक्ट यूज़ कर ले तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो मेबेलिन की जो फिटमी रेंज है ना, इनका फाउंडेशन और कंसीलर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, स्किन फ्रेंडली है, क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। तो मास्क की वजह से, जैसे ये एरिया जब आपका कवर रहता है ना, तो यहाँ पर स्वेट और ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। तो अगर आप फिटमी के फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, एक्ने पिंपल्स नहीं आएंगे। तो ये स्किन फ्रेंडली भी है और मास्क फ्रेंडली भी है। तो जिन लोगों को भी मेकअप करना पसंद है ना, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी ने मेबेलिन फिटमी रेंज तो ट्राई करी ही होगी, और नहीं भी तो कम से कम उनका फाउंडेशन और कंसीलर तो यूज़ करा ही होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। और ये रेंज अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ इनका फाउंडेशन। मेरे पास शेड था 220 और 230, पर उसके जो अंडरटोन्स थे ना वो न्यूट्रल थे, पर अब मुझे मेरा परफेक्ट शेड मिल गया है, दिस इज़ 228 सॉफ्ट टैन। इसके जो अंडरटोन्स है वो वार्म येलो है, तो बहुत ही अच्छे से मैच करता है ये मेरी स्किन टोन से, और स्किन फ्रेंडली भी है ये। तो मेरा गो टू फाउंडेशन हो गया है ये। और ये कंसीलर, ये मेरे ख्याल से मेरा फिफ्थ कंसीलर होगा या फिटमी का, और सेम शेड है मीडियम नंबर 25। इतना ज़्यादा लाइट वेट है ये, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बहुत आसानी से, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ब्लेंड हो जाता है इतना इजीली, और आपके अंडर आई एरिया को काफ़ी अच्छे से ये हाईलाइट कर देता है, क्योंकि जो हैवी कंसीलर्स होते हैं ना, क्रीज आने लगते हैं, पर इससे आपके कोई क्रीज वगैरह नहीं आएंगे और बहुत ही सुंदर लगता है आपके अंडर आई एरिया में। डेली वेयर मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।